धन बचे और धन बचे, रोग समूल नस जाए, मेरे भारतवासियों देश का औषध खाएं। मैं आपका दोस्त वैद्य देवन शर्मा आयुर्वेदिक हेल्थ टिप्स में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। जो आज का हमारा तोहफा है वो है नसों को खोलने वाला, वो है ब्रह्म रसायन, वो है हरिहर रसायन, उसका नाम है बाजीकर्ण रसायन। तो आओ उसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं, उसके जो औषधीय द्रव्य हैं वो जानते हैं, वो किस प्रकार से डलेंगे और क्या क्या घटक है, किस प्रकार से इसकी तैयारी होगी। आज आपको सारा टॉपिक दिखाएंगे, सारा स्टेप बाय स्टेप वीडियो दिखाएंगे। आओ पहले देखते हैं उन घटक में क्या क्या डलेगा और कितनी कितनी क्वांटिटी होगी उसकी। आओ चलते हैं घटक की ओर। हाँ जी दोस्तों, सबसे पहला घटक है जो है लो भस्म। बढ़िया तरीके से तैयार की गई लो भस्म, ये है आपकी 240 ग्राम, पूरे 240 ग्राम लेनी है आपने। बढ़िया अपने हाथ से तैयार की होगी तो रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। ये आपने लेना है भीम सैनी कपूर, बढ़िया शुद्ध क्वालिटी का लेना है। ये आपने लेना है 36 ग्राम, 36 ग्राम आपने आर्सेनिक लेना है, जो गाय के दूध में शुद्ध किया हो वो लेना है आपने 36 ग्राम। ये आपने लेना है शुद्ध किया हुआ बरकिया हड़ताल 72 ग्राम। ये आपने लेना है कजली, पारद और गंधक के मेल से कजली बनती है, उसका वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, वो आप पीछे जा कर के देखें, आपको पूरी उसकी तरीकाकार पता लग जाएगा किस प्रकार से आपने कजली बनानी है। ये आपने लेनी है 144 ग्राम। अब करना क्या है, ये हमारे महापुरुषों ने बनाया था, हमारे गुरुजनों ने यह नुस्खा बनाया था, आज मैं तैयार करने जा रहा हूँ। इसकी चावल की खुराक है 1 से 2 चावल खुराक, इसकी उम्र के मुताबिक आप दे सकते हैं। इससे निराश हुआ रोगी बिल्कुल ठीक होगा, इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है उसे। तो आओ इसका तरीका भी देखते हैं, किस प्रकार से इसे तैयार करना है, कितने घंटे लगेंगे। यह कम से कम आपको वीडियो पूरा मुकम्मल 4 स्टेप में पता लगेगा, क्योंकि इसकी पहले बनाएंगे टिकिया, टिकिया बनाने के बाद इसकी खोगी गजपुट भस्म तैयार की जाएगी। हम शहर में रहते हैं, इसीलिए हमने एक यंत्र तैयार किया हुआ है जिसमें हम गजपुट कर लेते हैं, जाने की भस्म तैयार कर लेते हैं। तो आओ हम इसको पहले इसकी रगड़ाई करते हैं और उसके बाद इसका प्रोसेस देखते हैं किस प्रकार से आगे आगे बनेगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आपके अच्छे कमेंट देने से हमारा चैनल आगे ग्रो होता है, और अपने मित्रों को दोस्तों को शेयर करें। यह योग आपको महाबली बलवान बना देगा, यह अपने दोस्तों को गिफ्ट भी कर सकते हैं, अपने लिए भी मंगवा सकते हैं। निराश रोगी हमारे साथ संपर्क जरूर करें, नीचे हमारा नंबर आ रहा है, इसके ऊपर आप हमसे रابطہ कर सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, सबसे पहले हम डालेंगे इस यंत्र में, ये है रगड़ाई वाला यंत्र, इसमें डालेंगे कजली जी, और बड़े आराम से कजली डालनी है। और दूसरा हम डालेंगे लौ भस्म, और फिर हम डालेंगे बरकिया हड़ताल, फिर हम डालेंगे आर्सेनिक, और इन सब की करेंगे रगड़ाई। थोड़े समय बाद हम इसमें कपूर डालेंगे। हाँ जी दोस्तों, इसको हो गए हैं 6 से 7 घंटे रगड़ते हुए, और अब इसमें हम कपूर डालेंगे। यह कपूर डालना है हमने पूरा मुकम्मल, ये सारा इसमें जाएगा। इसके बाद हम इसको 1-2 घंटे और रगड़ाई देंगे,
उसके बाद ही हम इसमें एलोवेरा का गुद्दा डालेंगे और इसकी टिकिया तैयार करके इसको भस्म करेंगे। इसके प्रोसेस आप कर सकते हैं चार बार। चार बार करने के बाद यह खाने योग्य भस्म हो जाएगा। इसकी डोज आपको पहले भी बता दी हमने, हाँ ये 1 से 2 चावल की डोज है इसकी। और इसका पूरा स्टेप देखें, अगले स्टेप में आपको इसकी और भी अच्छी जानकारी दी जाएगी। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हाँ जी दोस्तों, यह कम से कम हमें घुटाई करते हुए, खुश्क घुटाई करते हुए 6 घंटे पहले हुए थे। उसके बाद कपूर डाला हमने, 2-3 घंटे हमने और रगड़ाई कर ली। अब इसमें हम एलोवेरा का जो गुद्दा है वो डाल रहे हैं। ये डालना है आपने सारा मुकम्मल। ये सारा डालते आहिस्ता आहिस्ता रगड़ाई करनी है। जब यह टिकिया बांधने की हो जाए तब इसकी टिकिया बांध लेनी है। टिकिया छाया हमें सुखानी है और उसकी फिर गजपुर देके हमने भस्म तैयार करनी है।